आगामी 21 तारीख को ग्राम पंचायत लुकवासा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर शासन प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सिंधिया के दौरे को लेकर विगत दिवस शिवपुरी जिले के सभी दिग्गज सिंधिया समर्थक और भाजपाई नेता सहित पूरा प्रशासनिक अमला लुकवासा में स्थल निरीक्षण को पहुंचे। सर्वप्रथम पूरे अमले ने देशी ठाट होटल के बंद कमरे में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी के साथ सभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की विकास यात्रा के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण करने लुकवासा अनाज मंडी पहुंचे। सिंधिया के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की सुनियोजित रूपरेखा के संदर्भ में सभी से विस्तृत चर्चा हुई। उक्त विकास यात्रा में 15,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया। पूरे भारत में जायजा महाराज की विकास यात्रा का संदेश हरिओम रघुवंशी। कोलारस विधानसभा की लुकवासा ग्राम पंचायत में विकास यात्रा का सकारात्मक संदेश पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया उक्त विकास यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं। इस कारण बड़ी संख्या में हितग्राहियों को भाजपा शासन की योजनाओं का लाभ मिलना निश्चित है। ये पूरे कोलारस विधानसभा के लिए गर्व की बात है कि महाराज विकास यात्रा में आगामी 21 तारीख को हमारे बीच रहेंगे। उक्तवा सिंधिया निष्ठ भाजपा के युवा नेता और लुकवासा सरपंच पति हरिओम रघुवंशी ने सभी से कही। ये हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में हर जगह विकास यात्राओं का आयोजन किया है, और ये विकास यात्राओं को जो उद्देश्य है वो जो हमारी केंद्र की और मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं उनका कितना क्रियान्वयन मैदान में हो रहा है उसकी जानकारी तथा जो लोग छूट गए हैं उनको जोड़ने का और विकास के उसमें मूल उसमें लाने के लिए ये विकास यात्रा प्रारंभ की। आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबके लाडले नेता श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारा सौभाग्य लुकवासा वासियों का कि विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो, और निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, हितग्राही मूलक योजनाओं का जायजा लेंगे और किसान सम्मेलन और तमाम महिलाओं के कार्यक्रम इस प्रखंड में 21 तारीख की सुबह होने जा रहे हैं। कितनी तारीख को आ रहे हैं? 21 तारीख।